गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निरंजन नेचर लव से। आज हम आपको अपने गार्डन का एक ओवरव्यू दिखाना चाहते हैं, तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं मेरा इंग्लिश रोज का है, ये कटिंग उटिंग किए थे उसके बाद का ये लुक है, जो बहुत ही घना एकदम आपको दिख रहा होगा। और ये एक शो प्लांट है जिसको आप देख सकते हैं एकदम घना है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। और ये दो छोटे छोटे, ये एक शो प्लांट है, ये एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, ये एक पाम वैरायटी है, नैनीटो पाम या शायद इसे कुछ कहते हैं। ये स्नेक प्लांट है, आप देख सकते हैं इसमें हमें एक ये काम है, ये कुछ इसका नाम हमको उतना ध्यान नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट। और ये भी एक स्नेक प्लांट है देख सकते हैं आप, और ये भी स्नेक प्लांट है। ये स्नेक प्लांट के तीन चार ये मतलब हैं हमारे पास। तो ये देख सकते हैं ये डहलिया का प्लांट है जो एकदम बूसी हो चुका है, और इसमें देख सकते हैं ये कलियाँ एकदम ले रहे हैं फूल के लिए। और ये दो प्लांट तो हम आपको बताए ही हैं, देख सकते हैं ये अभी शुरुआती टर्म में है, अभी इसका हम कटिंग किए हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप ये मतलब इसमें ये छोटे छोटे जो हैं अपना मतलब बर्ड्स देना शुरू कर दिए हैं, ये भी बहुत ही घने हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। और ये एक मैरीगोल्ड का है प्लांट, देख सकते हैं इसमें बहुत सारा फूल एकदम खिला हुआ है जो बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है एकदम। और ये भी एक शो प्लांट है जिसे हम बेकार प्लास्टिक की बोतल था उसमें हम काट के कटिंग करके लगा दिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एकदम ग्रोइंग में है इसका। इसमें आप इसको देख सकते हैं इसका नीचे अंदर एकदम जरूर रूट रूट दिख रहा है एकदम। और ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है जो देख सकते हैं आप कितना ही अच्छा एकदम ग्रीनरी अपना किया हुआ है। तो आइए चलते हैं हम दूसरे तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों इधर भी एकदम सब फ्लावरिंग प्लांट है इधर सजाया हुआ जो बहुत ही अच्छे मतलब दिख रहे हैं आपको। ये एक देख सकते हैं गुलदाउदी का प्लांट है जो हमारा मतलब ख़त्म हो चुका था, तो इसको हम इस ग्रो बैग में डाल दिए, लेकिन ये फिर से अपना फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहा है। इसको हम देखेंगे दूसरे प्लांटर में एक बार शिफ्ट करेंगे कि फिर एक बार ये फ्लावरिंग कर दे अपना। और ये भी देख सकते हैं फूल कितना अच्छा लग रहा है प्लांट में लगा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों ये जो मक्खियां हैं इस पर फूलों का रस लेने के लिए एकदम मतलब उतावली हो रही है। तो ये सब देख सकते हैं इधर ये फ्लावरिंग प्लांट लगा हुआ है, कलेंचो का है जैसे एकदम ये पूरे अपने फ्लावर के एकदम बूश एकदम अच्छा लग रहा है देखने में, कितना सुंदर लग रहा है। तो देख सकते हैं ये प्लांट एकदम अपना सब मतलब अपने ग्रोइंग सीजन पर एकदम आ चुके हैं। ये तो है ये जो गुलदाउदी का हमने प्लांट का किया था हार्ट ब्रूनिंग, देख सकते हैं तुम कितने एकदम मतलब नया नया बर्ड्स एकदम निकल के पूरा एकदम घना हो चला है। तो ये सब प्लांट है देख सकते हैं इधर भी, ये सब मतलब कितनी सुंदर एकदम मतलब ये जो इंग्लिश रोज का हम किए थे वो भी देख सकते हैं कितने अपने पत्ते एकदम दे रहे हैं। फ्लावरिंग अपन मतलब ग्रोइंग सीजन पर है एकदम मतलब ग्रो एकदम बहुत तेजी में हो रहा है। तो उधर भी देख सकते हैं ये एक है, ये देखिए एक हमने छोटे से बेकार डिब्बे में ये एक देसी गुलाब लगाए थे जो एकदम घना हो चला है, इसको हम एक बड़े गमले में रिपोर्ट कर देंगे जिससे बड़े बड़े फ्लावर दे सके। देख सकते हैं इधर का भी एकदम, तो ये एक सेकुलेंट का वैरायटी था पत्थर चट्टा जिसके बारे में हम आपको बताए हुए थे, ये भी देख सकते हैं कितना एकदम बड़ा हो चला है एकदम। तो इधर भी ये फ्लावरिंग प्लांट ये मतलब शो प्लांट है देख सकते हैं सबका, इसका भी हम हार्ड ब्रूनिंग कर चुके थे देख सकते हैं एकदम, ये यहाँ से हमने इसको किया था एकदम काट के हटा दिया था, बड़ा ही हो चला था। और ये कितना अच्छा एकदम घना हो चला है, ये तो इसमें पाम का वैरायटी है। तो आइए हम अब दूसरे तरफ आपको ले चलते हैं इधर का, आप ये देख सकते हैं ये लुक कितना मतलब अच्छा लग रहा है। तो देखिए इधर ये कुछ पाम का वैरायटी है जो हम आपको बता ही चुके थे, देखिए ये सब भी
एकदम सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। ये रबर प्लांट जैसे शो प्लांट, इंडोर प्लांट है ये सब। ये मतलब चलिए इधर का भी एक लुक एक बार आप देख लीजिए, तो देख सकते हैं इधर का भी लुक कितना मतलब अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं इधर का बहुत ही मतलब सुंदर, देखने में अच्छा लग रहा है। तो आइए दूसरी तरफ चलते हैं। अब ये एरिया हमने भी कुछ बना के रखा है। इधर हम अपने गमले उमले कुछ रखते हैं, तो ये देख सकते हैं इधर ये देसी गुलाब है। इसमें भी देख सकते हैं ये कली ये खिल रही है, जो बहुत ही अच्छा लगेगी। तो इधर का एक प्लांट देख सकते हैं आप, ये अब एक मिर्ची का प्लांट लाए थे नर्सरी से, जो एकदम मतलब सूखा सा था, लेकिन देख सकते हैं अब इसमें कितने मतलब पत्ते एकदम दे रहे हैं, जो अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा मतलब निकलेगा। इसके बाद इसमें से जब फूल निकल कर मिर्च निकलेंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये एक मतलब देसी गुड़हल का प्लांट है, जो हम एक डब्बे में लगा दिए हैं। तो देख सकते हैं इसमें भी ये बर्ड्स निकलना शुरू हो चुके हैं, जो फूल निकलेंगे। और इधर यही है, ये हम थोड़ा अपना गमला उमला इधर रखे हैं। और इधर ये कटिंग एरिया है हमारा, जो सब हम कटिंग उटिंग लगाए हैं अपना। तो दोस्तों यही था एक हमारे छोटे मोटे गार्डन का ओवरव्यू, जो हम कितने दिनों से सोच रहे थे एक बार आपको दिखा दें। तो आज आपको सामने हमने दिखाया, जो देख सकते हैं बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। सुबह सुबह निकलो टेरिस गार्डन में अपने, और नज़ारा अगर फूलों से एकदम रंग बिरंगा हो, तो मतलब दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी होती है। ये अपना अपना तजुर्बा है देखने का। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सुबह सुबह निकलते हैं, तो मतलब एकदम हरा भरा हमारा गार्डन दिखता है हमको। तो यही फरवरी वर्क के बाद सब हम अरेंज किए हुए थे, तो सोचा एक बार आपसे दिखा दें, जो काफ़ी अच्छा और मनमोहक लग रहा है। और सुबह सुबह की धूप है, जिससे और भी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों ये था हमारे गार्डन का एक छोटा मोटा ओवरव्यू, जो हमने बहुत ही मतलब फास्ट में और जल्दी जल्दी में आपको बताया दिखाया, क्योंकि अब एक एक पौधे का अगर लेकर चलते तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता और ज़्यादा बोरिंग भी लगने लगता उसके बाद, कि हाँ मतलब कितना देर हो रहा है। तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी में जितना हो सके उतना बताया दिखाया। तो कैसा लगा हमारे गार्डन का एक ओवरव्यू, प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमको बताएं कि हाँ मतलब ये कैसा आपको मतलब कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या लगा, इसमें क्या कुछ कमी है, कि कुछ मतलब क्या करना पड़ेगा, कुछ भी सजेशन हो कृपया हमको दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, अपना प्यार दें।